आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में आज से अगले 3 दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदि जैसे राज्यों में भी आज बारिश हो सकती है। साथ ही बता दें आपको कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में इन दिनों मानसून के दूसरे फेज की जोरदार बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के अलावा दक्षिण के केरल, तमिलनाडु में भी बारिश का दौर जारी है। केरल में बारिश से संबंधित गतिविधियों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि दिन में मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बीते दिनों राजधानी में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने के संकेत दिए थे। इसके अलावा गुजरात के भी कई जिलों में इन दिनों बारिश हो रही है। अहमदाबाद में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहां पर भी तेज बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होगी। वहीं देहरादून में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मॉडरेट बारिश होने का अलर्ट है। राजस्थान के जयपुर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। यहां पे भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी के भी विभिन्न जिलों में बारिश का दौर है। राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम 25 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश भी होगी। इसके अलावा बिहार के पटना में न्यूनतम 26 डिग्री जबकि अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। राजधानी पटना में भी आज बारिश होगी। वहीं बता दें उत्तर दक्षिण के राज्य केरल में भी भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 100 लोग रिलीफ कैंप में शिफ्ट किए जा चुके हैं। 31 जुलाई से अब तक बारिश की गतिविधियां 30 घरों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा चुकी हैं। वहीं बता दें मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया था कि केरल में अगले 2 दिन तक तेज बारिश के आसार हैं। वहीं साथ में आपको बता दें कि मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के अनुसार अगले 3 दिन तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके बाद बारिश की गति में कमी आ सकती है। वहीं 6 अगस्त से गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार आज मेघालय, मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यूपी के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिण दिल्ली और बता दें कि पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा के भी कुछ इलाकों में मध्यम बारिश तक का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।